हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। एचटीएमएल का ये पहला सेशन है जिसमें मैं बेसिक टैग के बारे में डिस्कस करूंगा। आगे की वीडियो में मैं एचटीएमएल और सीएसएस के इस्तेमाल से एक कंप्लीट वेबसाइट के बारे में पूरा पूरा डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टैग होगा जो हमें एचटीएमएल में हमेशा इस्तेमाल करना होता है। और वीडियो सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आप एचटीएमएल का कोड लिखना चाहते हैं तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर में नोटपैड है तो नोटपैड का इस्तेमाल कर लो, या आप साइट पे जाकर के एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस पे अगर आप कोड लिखते हो तो आपका कोड काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें हम कुछ वर्ड लिखते रहते हैं तो हमें सजेस्ट वर्ड मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, पहले हम यूज़ करते हैं HTML। ठीक है, इसको हमने ओपन किया। आपको पता है कि अगर HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, HTML का टैग लगा देते हैं। ठीक है, और इसको जैसे इतना लिख करके इसको हम सेव करेंगे। हम एक लोकेशन ले लेते हैं, कोई भी एक फोल्डर जिसे हमने ले लिया है कि एक फोल्डर हमारे पास है वेब HTML के नाम से, उसमें हम ये फाइल सेव करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेव किया हेड के नाम से, कोई भी नाम दे सकते हैं आप चाहो तो। और इम्पोर्टेंट हमारे पास ये होगा कि हम यहाँ पर HTML लेते हैं। ठीक है, क्योंकि HTML का पूरा नाम आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसको हम सेव करेंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन बता रहा है, ये इसका टैग है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हेड टैग, और हेड टैग को हम क्लोज कर लेते हैं। हेड मतलब जो होता है ऊपर वाला सेशन। ओके, और हेड के देखो, हेड के अंदर हम एक दे सकते हैं टाइटल, टाइटल देना चाहते हो तो दे सकते हो। ओके, तो टाइटल के बारे में मैं बता दूंगा अभी। यहाँ हम यूज़ करेंगे बॉडी, हम अपने जो प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम के सॉरी बॉडी के अंदर लिखते हैं। एक चीज़ ख्याल रखो, जब आप यहाँ पे कुछ इस्तेमाल करते हो, कुछ लिखते हो, तो यहाँ पर सजेस्ट वर्ड मिलता है। ठीक है ना, तो आप लिखा जैसे कुछ वर्ड आ गया तो इसको टैब बटन प्रेस करके आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो आपका टाइम सेविंग भी हो जाता है। हमने बॉडी ले लिया, ये हेडिंग हमारे पास है। हेडिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया एक टैग H1। ठीक है, हमने दिया H1, या अगर हम देखो बहुत ही नॉर्मली हम लिख दें, यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम। ओके, और यहाँ पे हम बॉडी के अंदर लिख लेते हैं एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, पी से पैराग्राफ टैग आता है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने लॉक कर लिया। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर पी टैग। ख्याल रखना जो दो तरफ लिखा जाता है, मतलब दो तरफ का ये हो गया। देखो सुनो, ये बॉडी टैग क्या है, ये बता रहा है कि ये डबल टैग है। ये क्या है, डबल टैग है। इसमें ये फैसिलिटी होता है कि ये बता देता है, एक पे हम क्लिक करते हैं तो बताता है कि क्लोजिंग है या नहीं। ठीक है, ये फैसिलिटी होता है। नोटपैड पे क्लोज करोगे तो उतना आपको वो चीज़ क्लियरेंस नहीं मिल पाएगा, अगर नोटपैड प्लस प्लस पे करते हो तो आपको और भी क्लियरेंस मिलेगा। देखो हमने यहाँ लिख दिया वेलकम, और इसमें हम कुछ वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, वेलकम टू वाराणसी हम लिख दिया, इसको सेव कर, सेव तो हमने किया ही है। अब क्या करते हैं, इस फाइल को हम यहाँ पर रन कर लेते हैं। ये फाइल हमने सेव किया था, राइट बटन क्लिक किया, ओपन कर लो। अब यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया, दिख रहा है दोनों सेम सेम दिख रहा है। आप क्या करो, हेड मतलब ऊपर वाला सेक्शन, वापस जाकर के इस पर एक काम कर लो। अगर इसको हेडिंग दिखाना चाहते हो तो H1 का इस्तेमाल कर लो। H1 क्या होता है, हेडिंग टैग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे बड़ा, इसमें भी कई टैग होता है H1 के अंदर, H1, H2, H6 तक होता है, और सबसे बड़ा जो टैग होता है वो होता है H1 टैग। ठीक है, ख्याल रखना, इसको सेव करो। सेव करने के बाद आप ब्राउज़र पे जाओ और कंट्रोल आर कर दो, रिफ्रेश। ये देखो